फ्रेंड्स, मैं अपने निखिल से आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, अरे सर, अब तक तो आप सोशल साइंस पढ़ा रहे थे, अचानक से इंग्लिश, ये कहाँ से, ये कैसा चमत्कार है, चमत्कार समझिए इसको। लेकिन आज से आपकी इंग्लिश की भी क्लासेस कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें मैं क्लास 10th और 12th के पूरा इंग्लिश खत्म करूंगा। और दोस्तों, ना सिर्फ प्रोज पोएट्री आपके सप्लीमेंट्री, बल्कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस और बाकी आपके ग्रामेटिकली जितने भी पार्ट पोर्शन हैं, सब आपका कंप्लीट किया जाएगा और मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। तो एकदम निश्चिंत रहिए, आपके हर एक सब्जेक्ट को एकदम बारीकी से समझाते हुए खत्म किया जाएगा। और यकीन मानिए कि आप बहुत सही जगह पर हैं, क्योंकि हर एक चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगी। बस हमें जरूरत है तो आपके सपोर्ट का, आपके साथ का और आपके प्यार का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्या है। इंग्लिश फॉर क्लास 10th, किसके लिए? इंग्लिश फॉर क्लास 10th पोएम फर्स्ट। इंग्लिश फॉर क्लास 10th पोएम फर्स्ट, यानी कि देखिए, हम लोग पोएम पहला आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश क्लास 10th का है। वो आपका क्या, द फाउंटेन। क्या है? द फाउंटेन। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आप देखिए, फाउंटेन का मतलब क्या होता है? तो फाउंटेन का मतलब होता है दोस्तों फवारा, फवारा, है ना। आप लोग जाते हो गार्डन वार्डन में, पार्क वार्क में, तो आपको दिखता होगा ना, तेरी कितना मस्त दिख रहा है, एकदम मस्त सा फाउंटेन है, फवारा, है ना। तो देखिए दोस्तों, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए, जिसको लिखा हुआ है बाय जेम्स रसेल लॉवेल। किसने लिखा हुआ है? जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा हुआ है। पहले आप इस बारे में समझ जाइए पोएम के बारे में, क्योंकि आपको मैं एकदम एक एक वर्ड अच्छे से समझा दूंगा, उसमें आपको टेंशन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है पोएम के बारे में, आप समझ लीजिए चैप्टर के बारे में। अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा आसानी होता है उसको पढ़ने में, है ना। तो देखिए, ये कहना क्या चाहते हैं, ये जो हमारे जेम्स रसेल लॉवेल साहब हैं, ये जो पोएट्रीज लिखते हैं, पोएट्रीज बनाते हैं, आप यकीन मानिए कि ये बहुत पैट्रियोटिक आदमी है, यानी बहुत देशभक्त आदमी है ना, थे मतलब, सॉरी। और ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब कविताएं बनाते थे, लेकिन अचानक से ये गए कहीं पर, इन्हें फाउंटेन दिख गया और उससे इनको प्रेरणा मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा पोएम बना दिया, जो कि फाउंटेन से कहते हैं कि आप मुझे भी अपनी तरीके से बना दीजिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं, आप ये पोएम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है हमारा। देखिए, हमारा फर्स्ट स्टैंजा ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। देखिए, इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू मतलब क्या होता है, मेन। इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब होता है मेन, है ना। फिर इनटू द सनशाइन, सन का मतलब होता है सूर्य, साइन का मतलब होता है धूप। तो इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य के धूप में, फुल ऑफ द लाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ, है ना। अब भाई सूर्य का धूप होगा तो प्रकाश से तो भरा ही होगा ना। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश में, पूर्ण रूप से प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, उछलना। लीप का मतलब होता है उछलना, और फ्लैशिंग बोलते हैं ना, अरे भाई फ्लैश लाइट चेक कर लो अपने मोबाइल का, ठीक है कि नहीं, है ना। तो चमकदार, लीपिंग एंड फ्लैशिंग यानी उछलता हुआ और एकदम चमकदार, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न का अर्थ होता है मॉर्निंग, है ना। मॉर्न से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मॉर्न का मतलब क्या होता है, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, टिल का मतलब होता है तक, और नाइट का मतलब होता है रात। यानी कि इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य के धूप में जब पूर्ण प्रकाश रहता है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, तो फवारा कैसा होता है, उछल कूद करता रहता है, उछलता रहता है और चमकदार रहता है, क्योंकि जैसे उसके ऊपर पड़ता है सूर्य की किरण, वो हमेशा एकदम चमकदार दिखाई देता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी कि सुबह से लेकर कब तक, रात तक, सुबह से लेकर के रात तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा सेकंड स्टैंडर्ड जो है कि इनटू द मूनलाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में। इनटू का मतलब होता है मून, लाइट का मतलब मून का मतलब चंद्रमा, लाइट का मतलब प्रकाश। तो इनटू द मूनलाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो। अब हम लोग बोलते हैं ना कि ही इज एल्डर देन मी, यानी वह मुझसे क्या है, बड़ा है, है ना। ही इज ब्यूटीफुल देन हर, यानी कि वो क्या है, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक। तो इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, यानी कि स्नो का मतलब होता है बर्फ, वाइटर का मतलब होता है कि वाइट का मतलब होता है सफेद, और वाइटर का मतलब होता है बहुत ज्यादा सफेद ना। तो इन टू द मून लाइट यानी कि चांद्र के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो यानी कि बर्फ से भी ज्यादा सफेद। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, यानी कि हमें फवारा कैसा दिखता है रात के समय में, एकदम चमकदार और बर्फ से भी ज्यादा चमकदार। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेव का मतलब होता है दोस्तों लहर, है ना, लहराना। वेविंग मतलब लहराना, सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो, और जब हवा चलती है तो फवारा ऐसे लहराती है मानो कि फूल की बगिया में फूल लहरा रहा है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जब पूर्ण प्रकाश रहता है तो कैसा लगता है, उछलता हुआ और चमकदार दिखाई देता है सुबह से लेकर के रात तक। फिर इनटू द मूनलाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो यानी कि बर्फ से भी ज्यादा सफेद। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, लहराता रहता है किसकी तरह, फूलों की तरह। व्हेन द विंड ब्लोस, जब हवा चलता है तब फवारा, आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ उसको, आप देख लीजिए ना, वही फवारा कहलाता है हमारा फाउंटेन। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो सनशाइन हो गया, मून लाइट हो गया, पढ़ेंगे इसका स्टार लाइट है ना, तो इनटू द स्टार लाइट रशिंग स्प्रे। देखिए स्टार लाइट का मतलब क्या होता है, तारों के प्रकाश में, तो इनटू द स्टार लाइट का मतलब तारों के प्रकाश में रशिंग स्प्रे। रशिंग देखिए रनिंग, रनिंग करना जानते हैं, रनिंग का मतलब क्या होता है भागना, नहीं रनिंग का मतलब तो दौड़ना है ना, मैं रनिंग करके आ रहा हूँ मतलब मैं दौड़ करके आ रहा हूँ। अब रशिंग का मतलब क्या होता है, तो रशिंग का मतलब होता है दोस्तों भागना, रश का मतलब क्या होता है भागना, ठीक, रशिंग का मतलब भाग रहा है, स्प्रे का मतलब होता है फुहारा। देखिए रशिंग का मतलब क्या होता है, रशिंग का मतलब होता है भागना और स्प्रे का मतलब होता है फुहारा, स्प्रे का मतलब क्या होता है फुहारा, है ना। इनटू द स्टार लाइट यानी कि किसके तारों के प्रकाश में रशिंग स्प्रे यानी कि फुहारों में भाग रहा है, फुहारों में क्या कर रहा है भाग रहा है, आप देखते होंगे जब हवा चलता है बहुत ऐसा लगता है ना कभी उधर कभी इधर ऐसा करके उसका लहर आ रहा है ना, तो रशिंग स्प्रे यानी कि फुहारों में भागता है। हैप्पी एट मिड नाइट यानी कि मध्य रात्रि में भी बहुत खुश रहता है, हैप्पी बाय डे और दिन के समय भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। यानी कि जो आपके जेम्स रसल लॉवेल वो ये कहना चाहते हैं, जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे सूर्य का धूप हो, चाहे चंद्रमा की रात हो या फिर तारों का प्रकाश हो, यह जो हमारा फाउंटेन है वो हमेशा इस तरीके से प्रतीत होता है कि मानो कितना खुश है, हमेशा बहुत ही ज्यादा खुश है, चाहे वो मध्य रात्रि हो चाहे दिन हो और सुबह से लेकर के रात तक। यानी और जब हवा चलता है तो कैसा वेव करता है, जैसे कि फूल है ना, फूल जैसे लहराते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आपका एवर इन मोशन ब्लिट्सा एंड चेरी, एवर इन मोशन का मतलब होता है एवर का मतलब होता है हमेशा, मोशन का मतलब होता है गति, इन का मतलब होता है में, है ना, तो एवर इन मोशन यानी कि हमेशा गति में होता है, किसमें होता है हमेशा गति में होता है। ब्लिट्सम एंड चेरी, ब्लिट्सम का मतलब क्या होता है, ब्लिट्सम का मतलब होता है प्रफुल्लित, ब्लिट्सम का मतलब प्रफुल्लित यानी कि हमेशा बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित, और चियरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश प्रसन्नचित, तो एवर इन मोशन हमेशा गति में रहता है, ब्लिट्सम एंड चेरी और बहुत ज्यादा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन, और क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, स्टिल का मतलब फिर भी, और हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और हेवन वर्ड मतलब स्वर्ग की ओर, तो स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड यानी कि उसके बाद भी सूर्य की तरफ, सॉरी स्वर्ग की तरफ भी क्या करता है चढ़ाई करता है। नेवर वियरी, वियरी का मतलब होता है थकावट, और ये कभी भी नहीं थकता है, ये कभी भी क्या होता है नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कभी भी नहीं थकता, यानी कि ये जो हमारा फाउंटेन होता है वो ये कहना चाहते हैं कि हमेशा गति में रहता है, हमेशा गतिशील रहता है, ब्रिज समय चले लेकिन हमेशा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, उसको देख करके लगता है कि वो हमेशा स्वर्ग की ओर चढ़ाई कर रहा है। नेवर अपीयर यानी कि कभी भी थकता नहीं है। तो देख, तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको समझ में आएगा, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे से ले सकते हैं, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, एकदम अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लेने के बाद अगर आपको वीडियो बनाने समझ में नहीं आ रहा दोबारा आप देखेंगे काफी अच्छे समझ। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आगे की पोएम को भी हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा ध्यान दीजिए। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सेविंग बेस्ट, यानी कि ग्लैड का मतलब बहुत ज्यादा खुश, ग्लैड का मतलब बहुत ज्यादा खुश, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर यानी कि चाहे जैसा भी मौसम हो हमेशा ये रहता खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी क्या दिखता है एकदम हमेशा सबसे अलग और सबसे अच्छा दिखता है ना, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर यानी कि हर मौसम हमेशा खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी क्या दिखता है सबसे बेस्ट दिखता है, सबसे अच्छा दिखता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर, मोशन डाइजेस्ट गति तेरा आराम। देखिए मोशन का मतलब है गति, दाई का मतलब क्या होता है तेरा, दाई का मतलब क्या होता है दाओ, दाई का मतलब होता है तेरा, दाई का मतलब होता है तेरा, है ना। तो डायरेस्ट यानी मोशन, डायरेस्ट यानी कि गति की क्या है तेरा आराम है, यानी कि क्या कहना चाहते हैं सोशल कि ये हर मौसम में हमेशा खुश रहता है, फिर भी एकदम सबसे अच्छा दिखता है, ऊपर की ओर जाता और नीचे की ओर आता, मौसम डायरेस्ट गति ही तेरा क्या आराम है, यानी कि गति में रहता है, तो ये समझ जाइए कि क्या इसको आराम है ना। आगे बढ़ता है, फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से पूरा भरा हुआ, फुल ऑफ नेचर मतलब प्रकृति से पूरा भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, प्रकृति का प्रकृति से भरा होगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, नथिंग कैन टेम मतलब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, अपने आप को हमेशा क्या करता है बदलता रहता, बदलता रहता है, इन द सेंस क्या होता है पानी हमेशा फुहारे में ऊपर की उठता रहता है ना, तो क्या होता है नीचे पानी ऊपर जाता है फिर ऊपर से नीचे आता है, तो क्या करता है अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने आप को क्या करता है बदल रहा है, वही कहना चेंज एवरी मोमेंट यानी कि हमेशा अपने आप को क्या करता है बदल रहा है, एवर द सेम लेकिन फिर भी सेम ही रहता है, भले अपने आप को परिवर्तित कर रहा है लेकिन हमेशा क्या रहता है सेम रहता है ना, एक जैसा रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस का अर्थ होता है उसको लगातार, सीजलेस का मतलब होता है लगातार, तो सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट यानी कि लगातार, या इसको मशीन भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा असीम, असीम का मतलब क्या होता है बहुत विशाल है बहुत ज़्यादा, सीजलेस एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट, सीजलेस कंटेंट और बहुत ज़्यादा निरंतर। डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट, चाहे
डार्कनेस हो या फिर चाहे संसार हो, यानी कि चाहे अंधकार हो या फिर चाहे धूप का प्रकाश हो, बाई एलिमेंट तेरा ही क्या है, तत्व है। यानी कि किसका तत्व है, प्रकृति का ही तत्व है ना, और हमेशा क्या था, संतुष्ट रहता है अपने। ठीक, लास्ट स्टेप का समझ लीजिए अच्छे से। ग्लोरियस होने, ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, शानदार, फव्वारे। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, ग्लोरियस का शानदार। ग्लोरियस फाउंटेन यानी कि शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी का मतलब होना, हार्ट का मतलब दिल, माई का मतलब मेरा, लेट का मतलब होने दो। तो ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी यानी कि हे शानदार फव्वारे, मेरे दिल को हो जाने दो फ्रेश यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रेश। चेंजफुल यानी परिवर्तनशील। कॉन्स्टेंट का मतलब स्थिर, या फिर कॉन्स्टेंट का मतलब स्थिर भी हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। अपवर्ड लाइक दी, जैसे तू ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, जैसे तू आगे की ओर बढ़ता रहता है, वैसे मेरे हृदय को भी बना दे कि मेरा भी हृदय ऐसा हो जाए कि मैं भी हमेशा अपने को चेंज और फ्रेश फूल करूँ, फील करूँ, चेंजफुल फील करूँ और कॉन्स्टेंट रह सकूँ अपने लाइफ में। तो उसमें कि इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। लाइक तो जरूर कर देना है यार अगर पसंद आया हो तो। सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। इसके अलावा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारे हैं, आई बटन पर क्लिक कीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो आपकी बड़ी चल करता है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है ना, लेकिन ये कुछ अलग है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आपके नीचे सर आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं हम सभी वीडियो जल्दी। तब तक ऑल द बेस्ट।